हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सुपर मून के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट। ISS शेयर्स स्टनिंग पिक्चर्स ऑफ सुपर मून फ्रॉम स्पेस, लीव्स नेटिजेंस मेसमराइज्ड। ये देखिए सुपर मून का कुछ पिक्चर्स जो कि ISS मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अभी शेयर की है, आज शेयर की है। कुछ सुपर मून के पिक्चर्स हैं स्पेस स्टेशन से। कहाँ भेजी है? अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। ठीक, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि ISS से स्टनिंग पिक्चर्स या इमेजेस ऑफ सुपर मून फ्रॉम स्पेस लीव्स नेटिजन मेसमराइज्ड। ये 27th और 28th को अपीयर हुआ था ये सुपर मून, जिसे पिंक मून भी कहा जाता है। कुछ स्टनिंग पिक्चर्स देखिए, ये वहीं का है। देखिए कितना लाइक्स मिला है, 2 लाख से ऊपर, 3 लाख के आसपास लाइक है। इसमें भी कुछ उतना ही है, यहाँ भी 3 लाख के आसपास लाइक मिला है। ये सब पिक्चर्स जो है आप इंस्टाग्राम चैनल पे ISS का जो साइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। ये तो मून का है, तो मून के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि पहला तो एक बात जान लीजिए कि ये एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इसकी डायमीटर है 3474.2 किलोमीटर। ठीक, डायमीटर और रेडियस में अंतर होता है। क्या अंतर होता है आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये सपोज एक सर्कल है, तो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से जो इसके जो आउटर पेरिफेरी है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और ये पूरा रेडियस का जो दो गुना जो साइज हो जाता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसकी डायमीटर जो है वो है 3474.2 किलोमीटर। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, तो अर्थ से इसकी डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है, कभी घटते रहता है कभी बढ़ते रहता है। ठीक, तो ये मतलब देख लीजिएगा कहीं कि थोड़ा इधर उधर है तो बोलिएगा कि सर ने गलत बता दिया। ठीक, अब ये 27.322 डेज लेता है एक चक्कर लगाने का। किसका एक चक्कर? तो अर्थ का एक चक्कर। एक चक्कर अर्थ का लगाएगा तो उसमें इसका लगभग 28 दिन लग जाता है। ठीक, इसीलिए आप देखते होंगे कि 14-14 दिन का मीन्स 14-14 डेज पे फुल मून और नो मून होता है। ठीक, यही सेम डेज 27 दिन ही इसको लगता है एक अपना रोटेशन पूरा करने में। इसीलिए आपको कभी चांद का दूसरा फेज दिखता ही नहीं होगा। चांद का कभी दूसरा फेज नहीं दिखता है। चांद मीन्स जिस एंगल से जिस शेप से हमेशा दिखते आ रहा है वैसा ही हमेशा दिखता है और दिखता है भी रहेगा, क्योंकि ये जितना दिन में रोटेट करता है उतना ही दिन इसको रिवॉल्व करने में भी लगता है। तो इसलिए आप इसके दूसरे फेज को जो इसका अपोजिट फेज है वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये हमारे जो सोलर सिस्टम में है ये 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक, अब ये जो सुपर मून है, सुपर मून इसको क्यों कहा जा रहा है, तो ये क्या होता है कि इसको पिंक मून भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पिंक मून लिखा रहेगा कहीं सुपर मून। पिंक मून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पिंक इन कलर, पिंक थोड़ा पिंकिश कलर दिखता होगा। ये पिक्चर में आप देखिए, इसमें तो अच्छा नहीं, यहाँ देखिए इसमें आपको पिंक कलर का थोड़ा दिख रहा होगा, तो ये इसीलिए इसको पिंक मून कहा जा रहा है। ठीक, सुपर मून क्यों कहा जा रहा है? सुपर मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि मून इस समय सबसे नज़दीक आ जाता है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे आ जाता है अर्थ के, अर्थ से सबसे नज़दीक पॉइंट पे, और एट द सेम टाइम ये फुल भी होता है, फुल मून होता है उस समय। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, सुपर मून कहते हैं और पिंक मून कहते हैं। ठीक, समझ गए। मून लुक लार्जर एंड ब्राइटर इन द स्काई, इस समय मून थोड़ा बड़ा दिखेगा और ज़्यादा चमकीला दिखेगा। अब जाते जाते मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको करा देना चाहता हूँ कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, तो गैनीमेड है। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का, तो ये डेमोस है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये गैनीमेड जो है या डेमोस जो है, ये दोनों किस प्लैनेट का सोलर सिस्टम में, किस प्लैनेट का ये सैटेलाइट है। ठीक, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।